पॉलिटिकल पार्डन, राजनीतिक क्षमा या फिर राजनीतिक क्षमादान। इस पार्डन का मतलब होता है माफ़ी, क्षमा कर देना किसी को। अब देखते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बात की जा रही है। फ्रीइंग ए सोल्जर कन्विक्टेड फॉर मसाकर। कन्विक्टेड का मतलब होता है जिसे किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया गया हो। मसाकर का मतलब होता है नरसंहार, एक बड़े स्तर पर लोगों को मार देना। तो एक ऐसे सैनिक को छोड़ देना, फ्री कर देना, एक ऐसे सैनिक को मुक्त कर देना जो कि दोषी पाया गया था, किस चीज़ का? नरसंहार करने का। डेशियस होप्स, तो ये जो बात हुई है ना कि एक सैनिक को जो है छोड़ दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है, जो कि नरसंहार का दोषी था, तो इसके माध्यम से आशाएं जो हैं वे चूर चूर हो गई हैं। डेशियस, डेशियस का मतलब होता है बिल्कुल चूर चूर हो जाना। होप्स फॉर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी इन श्रीलंका। अब देखो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है इन दो लाइंस के माध्यम से कि भाई श्रीलंका में जो लोग थे उनको ये उम्मीदें थी। क्या उम्मीदें थी उनकी? ये उम्मीदें थी कि साहब श्रीलंका में कि अगर कोई भी व्यक्ति अपराध का दोषी पाया जाता है तो श्रीलंका में जो सरकार है वह सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझेगी, और जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। लेकिन ये जो उनकी आशाएं थी ना, वे उनकी आशाएं पूरी तरीके से चूर चूर हो गई। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में श्रीलंका में एक घटना हमें देखने को मिली, उस घटना में हमें ये देखने को मिला कि एक सैनिक जो कि दोषी था, किस चीज़ का दोषी था? नरसंहार का दोषी था, उसे राजनीतिक क्षमा श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा अभी हाल ही में दे दी गई है। ये एडिटोरियल बात करता है। अब देखते हैं आगे कि द ग्रांट ऑफ प्रेसिडेंशियल पार्डन, ग्रांट मतलब प्रदान करना, द ग्रांट ऑफ प्रेसिडेंशियल पार्डन, राष्ट्रपति जो माफ़ी देता है ना उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल पार्डन, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा दी जाने वाली क्षमा या राष्ट्रपति के द्वारा दी जाने वाली माफ़ी। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो माफ़ी प्रदान की गई है ना, द ग्रांट ऑफ प्रेसिडेंशियल पार्डन ऑन कब? गुरुवार को, थर्सडे। टू, किसे दी गई माफ़ी? किसे दी गई? टू ए श्रीलंकन सोल्जर, श्रीलंका के एक सैनिक को, ऑन डेथ रो, जिसको कि मृत्यु दंड मिला हुआ था। डेथ रो का मतलब होता है अगर कोई भी व्यक्ति डेथ रो में है ना, इसका मतलब है, रो का मतलब क्या होता है? पंक्ति या कतार। तो वह मृत्यु की पंक्ति में खड़े होना या मृत्यु की कतार में खड़े होना, यानी कि श्रीलंका का एक सोल्जर था जिसे कि मौत की सज़ा मिली हुई थी, उसे गुरुवार को राष्ट्रपति के द्वारा जो है क्षमा कर दिया गया। अब ये क्यों इसे मृत्यु की सज़ा मिली हुई थी, मृत्यु दंड क्यों मिला हुआ था श्रीलंका सोल्जर को? फॉर, के लिए, किस लिए? मर्डरिंग 8 तमिल विलेजर्स। इस व्यक्ति ने क्या किया था, ये जो 8 तमिल लोग थे ना श्रीलंका जो है ना, श्रीलंका में वहाँ पर क्या है कि ये जो तमिल समुदाय के जो लोग हैं ये क्या है, अल्पसंख्यक में आते हैं, है ना, माइनॉरिटी में आते हैं। तो इन्होंने क्या, इस सैनिक ने क्या किया था, हत्या कर दी थी किन लोगों की? 8 तमिल गांव वालों की, है ना, 8 तमिल विलेजर्स। तो इसके कारण क्या हुआ है साहब, हैज़, यह जो घटना हुई है, यानी कि कौन सी घटना, कि राष्ट्रपति के द्वारा इस सैनिक को माफ़ कर दिए जाने की जो घटना है, इस घटना ने क्या किया है, हैज़ स्पार्क्ड, स्पार्क का मतलब एक तरीके से एक चिंगारी भड़का देना, हैज स्पार्क जस्टिफाइड आउटरेज अमंग दोज, आउटरेज का मतलब होता है नाराजगी, रोष, अत्यधिक क्रोधित हो जाना, अत्यधिक गुस्से में आ जाना। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं श्रीलंका में, वो जो है ना बहुत ज़्यादा रोष है उनमें, बहुत ज़्यादा नाराजगी है, नाराजगी की चिंगारी उनमें भड़क चुकी है, और ये ठीक भी है। जस्टिफाइड का मतलब है जो बिल्कुल उचित हो। अमंग दोज, उन लोगों के बीच में, हु हैव बीन डिमांडिंग जस्टिस, जो कि लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं फ्रॉम द स्टेट, श्रीलंकन सरकार से, फॉर पास्ट क्राइम्स, कि भाई बीते समय में जो भी अपराध हुए हैं, यानी कि बीते समय में श्रीलंका में जब गृह युद्ध का टाइम था ना, तो उस गृह युद्ध के समय सैनिकों के द्वारा जितने भी अपराध लोगों पर किए गए, तो उन अपराधों की जाँच हो और उन अपराधों में जो व्यक्ति दोषी पाए जाए उनको दंडित किया जाए, ऐसी जो मांग कर रहे हैं ना लोग, लगातार जो मांग कर रहे हैं, तो उनको क्या है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा पहुंचा है, उनके अंदर नाराज़गी बढ़ी है, तो वो जो नाराज़गी है वो बिल्कुल उचित भी है। फार फ्रॉम का मतलब है बहुत दूर होना, इस बात से तो बहुत दूर है, इस बात को तो छोड़ो। फार फ्रॉम हेल्पिंग द कॉज ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर वार टाइम एट्रोसिटी, एट्रोसिटी इसका मतलब होता है क्रूरताएँ, है ना, क्रूरताएँ, है ना, जो निर्दयतापूर्वक जो घटनाएं होती है ना जिनमें एकदम क्रूरता बढ़ती जाती है, तो उनको बोलते हैं एट्रोसिटी। फार फ्रॉम हेल्पिंग द कॉज ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर वार टाइम एट्रोसिटीज, कि भाई युद्ध के समय में जो क्रूरताएँ सैनिकों के द्वारा बरती गई, तो उन सैनिकों को जिम्मेदार ठहराने की बजाय
है ना, उन सैनिकों को जिम्मेदार ठहराने की बजाय प्रेसिडेंट, ये फार फ्रॉम लिखा हुआ ना कि मतलब ऐसा तो नहीं किया आपने, प्रेसिडेंट गोटाबाय राजपक्षे, किया क्या प्रेसिडेंट ने, हैज़ गॉन द अदर वे, इन्होंने तो कुछ और ही रास्ता अपनाया, हैज़ गॉन द अदर वे टू नलीफाई, नलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से समाप्त कर देना, ए रेयर इंस्टेंस ऑफ जस्टिस बींग इंश्योर्ड बाय श्रीलंकाज जुडिशियल सिस्टम। अब देखो यहाँ से यहाँ तक एडिटोरियल कहना चाह रहा है साहब कि एक बहुत ही दुर्लभ घटना में देखने को मिली, कौन सी दुर्लभ घटना में देखने को मिली, रेयर इंस्टेंस का मतलब दुर्लभ घटना, ऑफ जस्टिस न्याय की बहुत ही दुर्लभ घटना जो कि सुनिश्चित की गई, बींग इंश्योर्ड बाय श्रीलंका जुडिशियल सिस्टम, कि भाई श्रीलंका का जो न्याय तंत्र है उसके द्वारा न्याय की एक दुर्लभ घटना हमें देखने को मिली कि किसी सैनिक को जो है एक तरीके से दंडित किया गया और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। तो ऐसा भी बहुत कम देखने को मिलता है हमें श्रीलंका में, इसको इसलिए इसको रेयर इंस्टेंस कहा गया। तो ये दुर्लभतम घटना थी और इस दुर्लभतम घटना में भी जिस व्यक्ति को फांसी की सज़ा होनी थी उसे भी जो है राष्ट्रपति ने माफ़ कर दिया, ये एडिटोरियल जो है कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं कि नॉट मैनी आर्मी मैन हैव बीन ब्रॉट टू बुक, नॉट मैनी आर्मी मैन, तो ये एडिटोरियल कहता है कि साहब हुआ ही नहीं है अगर श्रीलंका में आर्मी के लोगों ने सामान्य लोगों पर अगर किसी तरह के अत्याचार किए ना युद्ध के दौरान, तो उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है ना। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि नॉट मैनी आर्मी मैन हैव बीन ब्रॉट टू बुक। अभी जो शब्द आया ना ब्रॉट टू बुक, इस ब्रॉट टू बुक का मतलब होता है दंडित करना, या फिर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस व्यक्ति से उस अपराध का स्पष्टीकरण मांगना, उसको बोलते हैं ब्रॉट टू बुक। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है साहब कि मतलब बहुत ही कम रहे हैं ऐसे लोग, बहुत ही कम तमिल सैनिक रहे, बहुत ही कम श्रीलंका के ऐसे सैनिक रहे हैं जिनको कि दंडित किया गया है या फिर जिनसे जवाब मांगा गया है फॉर अटैक्स ऑन सिविलियंस, कि भाई इन आर्मी वालों ने, श्रीलंका की जो आर्मी के लोग हैं इन्होंने अगर नागरिकों पर किसी तरह के कोई हमले किए तो बहुत ही कम आर्मी के लोग हैं जिनको कि दोषी ठहराया गया या जिनको कि दंडित किया गया। बट लेकिन इन वाट केम टू बी नोन एज द मिरुसोविल मसाकर, अब ये जो घटना है ना जिसके बारे में एडिटोरियल चर्चा कर रहा है, कौन सा नरसंहार है ये, मिरुसोविल, ये एक जगह का नाम है मिरुसोविल, मिरुसोविल नरसंहार के नाम से इसे जाना जाता है। बट लेकिन इन वाट केम टू बी नोन, जिसको कि जाना गया, जो कि हमारे, जो कि हमें ये देखने को मिली इस रूप में, इसे जाना गया किस रूप में जाना गया, मिरुसोविल नरसंहार के रूप में, मिलिट्री पुलिस, सैन्य पुलिस हैड, यानी कि मिलिट्री की जो पुलिस होती है ना उसको बोलते हैं मिलिट्री पुलिस, तो मिलिट्री पुलिस हैड इमीडिएटली डिटेंड, डिटेंड मतलब है तुरंत हिरासत में लेना द सोल्जर्स इन्वॉल्व। तो ये जो मिरुसोविल नरसंहार हुआ, इस मिरुसोविल नरसंहार से जुड़े हुए जो भी सैनिक थे उन सैनिकों को ये जो मिलिट्री पुलिस है ना इसने तुरंत जो है गिरफ्तार किया, तुरंत हिरासत में लिया, सोल्जर्स इन्वॉल्व, कि भाई जो लोग भी इस मिरुसोविल नरसंहार में शामिल थे इनको तुरंत हिरासत में लिया गया। Thus, denying them impunity. Impunity का मतलब होता है दंड मुक्ति। तो इस प्रकार से उन सैनिकों को, जिन सैनिकों को मिरुसोविल नरसंहार के तहत जो है पुलिस ने एक तरीके से हिरासत में लिया ना, तो एक तरीके से उनको दंड मुक्ति नहीं मिल पाई है ना, दंड मुक्ति को इनकार करते हुए, deny का मतलब होता है इनकार करना, denying them impunity, तो एक तरीके से उनको हिरासत में ले लिया यानी कि उनको दंड से बचने नहीं दिया। इसके बाद में आगे देखते हैं और एडिटोरियल क्या बताता है पूरी घटना के बारे में। द विक्टिम्स, विक्टिम का मतलब है पीड़ित, द विक्टिम्स इंक्लूडेड थ्री बॉयज़, कि भाई ये जो भी लोग पीड़ित थे ना, जो भी इस नरसंहार में जो लोग मारे गए उनमें कौन कौन शामिल थे साहब, तीन बॉय भी थे उनमें, तीन लड़के थे जिनकी की उम्र थी 5, 13 और 15। इन दिसंबर 2000, दिसंबर 2000 की बात है साहब। अब ये एडिटोरियल बता रहा है कि भाई किस तरह से घटना हुई थी है ना, क्या बात थी, क्या घटना हुई थी, तो उसके बारे में हमें एडिटोरियल जानकारी देता है कि दिसंबर 2000 में क्या हुआ था कि एक ग्रुप ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड विलेजर्स, कि एक समूह था गांव वालों का है ना, जो कि आंतरिक रूप से विस्थापित कर दिया गया था, इंटरनली मतलब आंतरिक रूप से, डिस्प्लेस का मतलब होता है आपको एक जगह से हटा के दूसरी जगह पर हटा कर दिया जाए ना, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड, कि भाई एक गांव के कुछ लोग थे जिनको कि विस्थापित कर दिया गया था, तो हैड कम, वे आए थे टू हैव ए लुक एट देयर वार रेवेज्ड, ये जो वार रेवेज्ड लिखा हुआ है ना इसका मतलब है युद्ध के द्वारा जिसे नष्ट कर दिया गया हो उसे बोलते हैं वार रेवेज्ड, होम्स एट मिरुसोविल इन द जाफना पेनिनसुला, कि भाई श्रीलंका में ये जो जाफना प्रायद्वीप है, पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप या फिर द्वीप या फिर उपद्वीप, कि ये जो जाफना प्रायद्वीप है इसमें मिरुसोविल नाम की एक जगह है, वह उस जगह पर कुछ लोग जो है
15 दिसंबर 2000 को अपने उन घरों को देखने आए थे जो कि युद्ध के द्वारा नष्ट हो चुके थे। दे रैन इंटू, अब ये जो रैन इंटू शब्द आया ना, इस रैन इंटू शब्द का मतलब होता है टकरा जाना, रन इंटू टकरा जाना। तो ये जब आए थे ना उस जगह पे मिरोसोविल नामक स्थान पर कुछ ग्रामीण लोग, तो ये जो है कुछ आर्मी वालों से टकरा गए। दे रैन इंटू सम आर्मी मैन, है ना, आर्मी वालों से इनकी मुठभेड़ हो गई, आर्मी वालों से टकरा गए। आर्मी वालों ने पूछा हुआ इनसे, भाई कहाँ कैसे किधर जा रहे हो। फिर इन आर्मी मैन ने क्या किया, हु लेड देम, ये जो लेड शब्द आया ना, इस लेड का मतलब होता है एक तरीके से प्रतिनिधित्व करना, है ना, किसी को किसी डायरेक्शन में ले जाना। तो ये आर्मी मैन जो थे इन विलेजर्स को ले गए, कहाँ ले गए, हु लेड देम अवे, इनको दूर ले गए, ब्लाइंड फोल्डेड। इस ब्लाइंड फोल्डेड शब्द का मतलब होता है जैसे आपकी आंखें हैं, उन आंखों पर कपड़ा बांध के, पट्टी बांध दी जाए आंखों पर, है ना, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड फोल्ड कर देना। तो इन आर्मी वालों ने क्या किया, इन विलेजर्स की आंखों पर पट्टी बांध के इनको कहीं और ले गए। देयर बॉडीज वर लेटर, लेटर मतलब बाद में, फाउंड इन ए सीवर, कि उनकी जो बॉडीज थी ना उनके, यानी कि आर्मी वाले जो थे उनकी जो बॉडीज थी वो कहाँ पाई गई साहब, एक नाले में पाई गई। ये जो सीवर लिखा हुआ है ना इसका मतलब है नाला। विथ देयर थ्रॉट्स स्लिट, स्लिट थ्रॉट स्लिट, इस थ्रॉट्स स्लिट का क्या मतलब है, उनका गला जो है रेता हुआ पाया गया। बोलते हैं ना जैसे चाकू लेके किसी का गला रेत डाला, कि गला रेत डाला, यानी कि उसकी हत्या कर दी। तो उनकी जो, उनके जो शरीर थे वे मृत पाए गए एक नाले में, उनका गला जो है रेता हुआ था। आगे देखते हैं, द ओनली वन हु एस्केप्ड लेटर लेड द मिलिट्री पुलिस, एक व्यक्ति इनमें से बच निकला, है ना, कि भाई जिन लोगों की हत्या कर दी गई थी ना, जिन लोगों का गला रेत दिया गया था, उनमें से एक व्यक्ति जो है किसी तरह से बच निकला। द ओनली वन, एकमात्र व्यक्ति जो बच निकला, हु एस्केप्ड, जो बच निकला लेटर, उस व्यक्ति ने क्या किया बाद में, लेड, वो ले गया किसको, मिलिट्री पुलिस को, कि भाई मिलिट्री की जो पुलिस होती है उस मिलिट्री की पुलिस को वह एक व्यक्ति जो बच गया था उस स्थान पर ले गया, टू द स्पॉट, उस जगह पर। एंड टर्न्ड ए क्रूशियल विटनेस, और वह व्यक्ति जो कि बच गया था ना वह तब्दील हो गया, वह बदल गया किसमें, क्रूशियल का मतलब होता है निर्णायक, विटनेस यानी कि वह एक मतलब बहुत ही अहम गवाह बन गया वो बाद में, कि ये जो केस चला ना मिरोसोविल नरसंहार जो केस चला, उस केस में वह व्यक्ति जो है एक महत्वपूर्ण गवाह बन गया। आगे देखते हैं कि फाइव सोल्जर्स वर इंडिक्टेड, क्या हुआ इसके बाद में, फाइव सोल्जर्स वर इंडिक्टेड, कि पांच सैनिक जो है वे दोषी पाए गए, इंडिक्टेड, पांच सैनिकों को दोषी ठहराया गया। एंड ए स्पेशल प्रोविजन फॉर, स्पेशल प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, है ना, एक विशेष प्रावधान, फॉर हैविंग ए ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई, बिफोर ए बेंच, एक पीठ के सामने, एक बेंच के सामने, ऑफ थ्री हाई कोर्ट जजेस वाज इन्वोक्ड, इन्वोक का मतलब है साहब इस बात की मांग की गई, इस बात का सहारा लिया गया, किस बात का सहारा लिया गया, किस बात की मांग की गई, कि साहब तीन जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके द्वारा एक पीठ का निर्माण किया जाए, और वह जो तीन हाई कोर्ट के जज की जो पीठ बने वह क्या करे, इस पूरे मामले की सुनवाई करे। द प्लॉडिंग ट्रायल, ट्रायल का मतलब है सुनवाई, और ये जो प्लॉडिंग शब्द आया ना, PLODDING, इस प्लॉडिंग का मतलब होता है घसीटते हुए, बहुत ही धीरे धीरे, कि ये सुनवाई चली तो सही, चली साहब चली तो सही, लेकिन बहुत ही घसीटते हुए, बहुत ही धीरे धीरे चली ये सुनवाई, है ना। द प्लॉडिंग ट्रायल एंडेड इन 2015, अब देखो 2000 की घटना है, और ये जो सुनवाई है कब जाके समाप्त हुई, 2015 में जाके समाप्त हुई, धीरे धीरे घिसटते घिसटते चलती रही सुनवाई। और इस सुनवाई में विथ ओनली वन ऑफ देम, एक व्यक्ति जिसका कि नाम है सुनील रत्नायके, के बींग फाउंड गिल्ती, तो पांच लोग थे, सिर्फ पांच में से एक व्यक्ति को जो है दोषी पाया गया साहब। पहली बात तो सुनवाई जो है बहुत धीरे धीरे चली, 2015 तक चलती रही, और इस सुनवाई में सिर्फ एक व्यक्ति जिसका कि नाम है सुनील रत्नायके, के उसको साहब दोषी पाया गया, उसको गिल्टी पाया गया। ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, उसे मौत की सजा सुनाई गई। ये जो सेंटेंस शब्द है ना इसका मतलब है सजा सुनाना, सजा देना। ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, उसे मौत की सजा दी गई। बट देयर इज ए मॉरेटोरियम, ये जो मॉरेटोरियम है ना, कल भी आया था ये मॉरेटोरियम शब्द, इस मॉरेटोरियम शब्द का मतलब होता है एक तरीके से स्थगित कर देना, रोकना या फिर टाल देना, थोड़ी देर की मोहलत दे देना। बट देयर इज ए मॉरेटोरियम ऑन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का यहाँ पे मतलब है किसी काम को अंजाम देना, यहाँ पे एग्जीक्यूशन का मतलब एक तरीके से फांसी की सजा देना, सिंस 1976। अब जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका में 1976 से जो है ना मॉरेटोरियम, एक तरीके से रोक लगी हुई है, स्थगन लगा हुआ है, किस चीज़ पर, ये जो फांसी की सजा देना है ना, इस पर एक तरीके की लगभग रोक लगी हुई है 1976 से। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या कहता है। इट हार्डली नीड्स इम्फेसिस, इस बात पे कोई ज़रूरत, इस बात पर जोर देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है साहब, है ना। इट हार्डली नीड्स, है ना, मुश्किल से इस बात पर जोर देने की ज़रूरत है कि द एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ पार्डन इज एन एक्ट ऑफ कंपेशन, कि साहब एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ पार्डन, कि ठीक है
राष्ट्रपति के पास किसी अपराधी को क्षमा करने का अधिकार होता है, लेकिन ये जो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है ना क्षमा करने का अधिकार, तो ये क्या है, करुणा के चलते किया जाता है। कंपैशन का मतलब होता है करुणा। अगर जैसे राष्ट्रपति को लगता है साहब कि इस व्यक्ति पर करुणा की जानी चाहिए, इस व्यक्ति पर दया की जानी चाहिए, राष्ट्रपति को अपने विवेक से ऐसे लगता है कि नहीं यार इस पर करुणा किए जाने की आवश्यकता है, इस पर दया दिखाने की आवश्यकता है, तो इस बात को कोई ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रपति को हमने किसी कैदी को क्षमा कर देने की अगर ताकत दी है तो वो इसलिए दिए कि राष्ट्रपति अगर करुणा दिखाना चाहता है किसी व्यक्ति पर, लगता है कि नहीं यार ये मतलब केस जो है मतलब ठीक है, इस व्यक्ति को क्षमा किया जाना चाहिए, एंड नॉट ए टूल फॉर पॉलिटिकल और इलेक्टोरल मैसेज, एंड नॉट ए टूल। तो ये जो अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है ना, ये एक उपकरण नहीं है फॉर पॉलिटिकल और इलेक्टोरल मैसेजिंग, कि आप इस कि भाई राष्ट्रपति के पास जो अधिकार है ना, तो राष्ट्रपति इस अधिकार का प्रयोग करे राजनीतिक फायदे के लिए, है ना, तो इसके लिए नहीं दिया गया है राष्ट्रपति को अधिकार। नॉट ए टूल फॉर पॉलिटिकल और इलेक्टोरल मैसेज, कि भाई चुनावी रूप से फायदा उठाने के लिए या फिर राजनीतिक रूप से फायदा उठाने के लिए राष्ट्रपति को जो अधिकार दिया गया है ना अपराधी को क्षमा कर देने का, उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हाउएवर, फिर भी क्या हमें देखने को मिला, प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे, ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे, हैज सेंट आउट ए मैसेज, इन्होंने एक मैसेज भेजा है पब्लिक के बीच में, इन्होंने एक मैसेज भेजा है कि भाई इन्होंने क्षमा कर दिया ना इस सैनिक को, तो इस क्षमा करने के माध्यम से आम लोग बागों में जो मैसेज गया है वो ये, टू हिज वास्ट का मतलब है विशाल, टू हिज वास्ट बॉडी ऑफ सपोर्टर्स, वास्ट बॉडी ऑफ सपोर्टर्स का मतलब है कि भाई वे लोग जो कि गोटाबाया राजपक्षे का समर्थन करते हैं, अमॉन्ग द सिंगलिस, तो ज़्यादातर जो कम्युनिटीज़ है ना जो कि गोटाबाया राजपक्षे का समर्थन करती, उस कम्युनिटी का नाम है सिंगली, तो ये सिंगली जो समूह है यह तमिलनाडु में एक तरीके से क्या है, एक तरीके से मेजोरिटी इसी की है, तमिल जो लोग हैं ना, तमिल भी रहते हैं वहाँ पर श्रीलंका में, लेकिन उनकी क्या है वो माइनॉरिटी में है, तो एक तरीके से ये जो मेजोरिटी है सिंगली है, और ये सपोर्टर है किसके, गोटाबाया राजपक्षे के, तो उन्होंने गोटाबाया राजपक्षे ने इन सिंगलीज लोगों को एक संदेश दिया है, ये जो क्षमा कर दिया ना इन्होंने सैनिक को, कौन सा संदेश दिया है, दैट ही वुड नॉट लेट, लेट का मतलब होता है अलाउ करना, परमिशन देना, वार हीरोज लैंग्विश इन प्रिजन, कि भाई एक तरह से श्रीलंका के राष्ट्रपति ने श्रीलंका का जो सिंगलीज समुदाय है उस समुदाय को ये संदेश दिया है कि जो भी वार हीरो हैं, वार हीरो का मतलब है वे सैनिक जिन्होंने युद्ध में अपनी भूमिका निभाई, उन हीरो में से किसी भी हीरो को जो है जेल में नहीं सड़ने दिया जाएगा। ये जो लैंग्विश शब्द लिखा है ना, इस लैंग्विश का मतलब होता है मजबूरन किसी गलत जगह में बने रहना, उसको बोलते हैं लैंग्विश, कि भाई एक तरीके से ये मैसेज गया है। अब देखो ये क्या है कि एक तरीके से ये जो थे जो सैनिक, ये सैनिक ही तो था जिसको कि माफ़ कर दिया इन्होंने, है ना, इवन इफ इट मीन्स, भले ही इसका मतलब हो दैट द माइनॉरिटी तमिल्स गेट ए चिलिंग मैसेज, चिलिंग का मतलब होता है बिल्कुल कपा देने वाला, चिलिंग मैसेज मतलब कपा देने वाला संदेश, दैट सब्सटेंटिव जस्टिस, सब्सटेंटिव का मतलब होता है महत्वपूर्ण, फॉर वार क्राइम्स विल ऑलवेज इल्यूड देम। अब देखो काफ़ी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, आराम से समझते हैं इसका मतलब क्या है, कि भाई इन्होंने जो मैसेज दिया है ना श्रीलंका के राष्ट्रपति ने, उस मैसेज के माध्यम से इन्होंने क्या कहना चाहा है, इन्होंने ये कहना चाहा है सिंगली समुदाय को कि साहब युद्ध के समय के जो भी सैनिक थे, है ना, जो भी सैनिक थे हमारे, उन सैनिकों को एक तरीके से जेल में नहीं सड़ने दिया जाएगा, भले ही इसका मतलब ये भी है, इनका जो संदेश गया है ना, इसका मतलब ये भी है कि भाई जो तमिल लोग हैं माइनॉरिटी में जो हैं, वे तो बिल्कुल अंदर तक हिल गए इस संदेश से कि यार ये क्या साहब, कि कोई व्यक्ति ने हमारे खिलाफ अपराध किया आप उसे दंड नहीं देते, तो इन लोगों को ये जो भयभीत हो गए तमिल लोग, तो ये कहना चाह रहा है एडिटोरियल कि भले ही इसका मतलब हो, क्या मतलब हो इसका, कि महत्वपूर्ण रूप से इसका मतलब ये है कि ये जो तमिल लोग हैं ना, एक तरीके से दैट सब्सटेंटिव जस्टिस फॉर वार क्राइम्स विल ऑलवेज इल्यूड देम, कि भाई युद्ध के दौरान, कि तमिलनाडु में गृह युद्ध के दौरान तमिल लोगों के खिलाफ जो अपराध किए गए, उन अपराधों का जो है एक तरीके से न्याय उन लोगों को कभी नहीं मिलेगा। इल्यूड का मतलब है बसता रहेगा, है ना, बसता रहना, कि भाई युद्ध के दौरान तमिल लोगों पे जो अत्याचार हुए ना, तो उन अत्याचारों का न्याय, उन अत्याचारों के लिए अगर न्याय तमिल लोग चाहते हैं ना, तो वो न्याय उन्हें कभी नहीं मिलेगा, वो न्याय हमेशा बसता रहेगा। इस तरह का संदेश भी गोटाबाया ने दिया है, एडिटोरियल कहना चाह रहा है, अभी तो वाक्य चल रहा है पूरा। एंड इवन वेन रेंडर्ड, रेंडर का मतलब होता है उपलब्ध कराना, और यदि कभी मान लो कि तमिल लोगों के खिलाफ युद्ध के समय कोई अपराध हुए और उनको जो है न्याय मिल भी गया,
एंड इवन वैन रेंडर्ड, और अगर कभी, पहली बात तो न्याय मिलेगा ही नहीं उन्हें, न्याय हमेशा बचता रहेगा, न्याय कभी मिलेगा ही नहीं उन्हें, और यदि कभी न्याय उपलब्ध हो भी गया उन्हें, है ना, इट कुड बी अनडन, तो उस न्याय को, जो न्याय किया गया ना, उसको वापस अन किया जा सकता है। यानी कि तमिल लोगों के खिलाफ अगर किसी सैनिक ने कोई अपराध किया और उस सैनिक को अपराध के लिए दंड मिल भी गया ना, तो उस दंड को जो है वापस पलटा जा सकता है। जैसा कि अभी हाल ही में हमें देखने को मिला कि तमिल लोगों पर अत्याचार के फलस्वरूप एक सैनिक को मौत की सजा दी गई, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे माफ़ कर दिया। इट कुड बी अनडन, तो अगर कभी उपलब्ध हुआ भी ना तमिल लोगों को जो न्याय है, इट कुड बी अनडन, तो उसको वापस अनडन, यानी कि उसको वापस परिवर्तित किया जा सकता है। विथ ए स्ट्रोक ऑफ द पेन, सिर्फ एक पेन चलाना है, एक पेन, एक लकीर खींचनी है कि भाई इसको न्याय, मौत की सजा मिली हुई है, ये लो ये काट के रख दी, ये लो नहीं है, मौत की सजा खत्म हुई साहब, ये लो। तो विथ ए स्ट्रोक ऑफ द पेन, तो कभी अगर, पहली बात तो तमिल लोगों को न्याय कभी मिलेगा ही नहीं, न्याय उन्हें हमेशा से बचता रहेगा, और कभी न्याय उनको उपलब्ध हो भी गया, रेंडर हो भी गया, तो उस न्याय को वापस अनकिया किया जा सकता है, उस न्याय को वापस पलटा जा सकता है। सिर्फ एक लकीर खींचनी है कि अगर इस व्यक्ति को, कि भाई किसी को दंडित दोषी पाया गया ना, जैसे कि अभी हाल ही के केस में हुआ कि ये जो एक सैनिक है इसको मौत की सजा का दोषी पाया गया, लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति ने एक पेन उठाया और उनकी सजा को जो है निरस्त कर दिया। ये एडिटोरियल बात करता है। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या कहता है कि देयर इज ऑल्सो एन इलेक्टोरल एंगल टू द डिसीजन, कि ये जो डिसीजन श्रीलंका के राष्ट्रपति ने लिया है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, चुनावी नज़रिए से भी देख सकते हैं, चुनावी कोण से। देयर इज ऑल्सो एन इलेक्टोरल एंगल टू द डिसीजन, अब क्या है चुनावी नज़रिया, चुनावी कोण, एज पार्लियामेंट्री पोल्स वर सेट फॉर अप्रैल 25, कि भाई श्रीलंका में जो है ना अप्रैल 25 से क्या थे, चुनावी चुनाव होने थे, एक तरीके से संसदीय चुनाव होने थे, है ना, बिल्कुल संसदीय चुनाव फिक्स थे, कब से, अप्रैल 25 से संसदीय चुनाव होने थे, बट हैव नाउ बीन पोस्टपोन, लेकिन अभी जो संसदीय चुनाव है ना, अब इनको क्या किया गया, स्थगित कर दिया गया है। क्यों, इन व्यू ऑफ का मतलब है साहब के चलते, इस बात को देखते हुए, इन व्यू ऑफ द ग्लोबल पेंडेमिक, वैश्विक महामारी, कि भाई ये जो कोरोना वायरस, इस कोरोना वायरस के चलते क्या किया गया, इनको स्थगित कर दिया गया है साहब, वरना ये चुनाव होने थे। अब एक तरीके से इन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट जो गोटाबाया राजपक्षे थे, इनको पता है साहब कि सिंगली समुदाय जो है उनका मुझे वोट है, तो अगर मैं इस सैनिक को माफ़ कर देता हूं, जो कि सिंगली समुदाय को बिलोंग करता है, तो एक तरीके से क्या है कि चुनावी लाभ होने की जो है संभावना है। द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग पार्डन, कि द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग पार्डन, ग्रांट मतलब प्रदान करना, क्षमा प्रदान करना, तो ये जो क्षमा प्रदान करने की प्रक्रिया है, मे हैव बीन गोइंग ऑन, तो यह हो सकता है, इस बात की संभावना बनती है कि यह चुनाव, एक तरीके से ये जो क्षमा करने की प्रक्रिया है ना बंदियों को, कैदियों को या दोषियों को, ये लगातार जारी है। क्यों जारी है साहब, इस बात की संभावना बनती है, इसलिए जारी है, इन द रन अप टू द पोल्स, इन द रन अप, ये जो रन अप शब्द आया ना, इस रन अप का मतलब होता है कि किसी भी महत्वपूर्ण अवसर से ठीक पहले, रन अप टू द पोल्स, कि साहब ये जो चुनाव होने वाले हैं, इन चुनाव से ठीक पहले जो है ये प्रक्रिया जो है लगातार जो है बनी हुई है इनको, दोषियों को क्षमा कर देने की। आगे देखते हैं, श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन, इस ले डाउन का मतलब होता है कि रखता है, निर्धारित करता है ना, कुछ नियम श्रीलंका के संविधान ने बना रखे हैं साहब, क्या क्या नियम है, एक प्रोसीजर है साहब, है ना, एक तरीका है, एक विधि है, उस विधि का जो है पालन करने की जो है श्रीलंका के संविधान में बात की गई है। क्या प्रोसीजर है साहब, क्या तरीका है, वो तरीका ये कहता है कि द प्रेसिडेंट मस्ट गेट अ रिपोर्ट, कि श्रीलंका का राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को जो है क्षमा करना चाहता है, किसी व्यक्ति की मौत की सजा को क्षमा करना चाहता है, तो उसे राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्राप्त करना चाहिए, जरूर से जरूर उसे एक रिपोर्ट जो है मंगवानी चाहिए फ्रॉम द ट्रायल जज, कि भाई ट्रायल जज, ट्रायल का मतलब है कि भाई वह व्यक्ति जिसे मौत की सजा मिली हुई है उसकी जो सुनवाई जिस जज ने की थी ना, वहाँ से उसे एक रिपोर्ट मंगवानी चाहिए इस व्यक्ति के संबंध में ना, इस केस की पूरी रिपोर्ट मंगवानी चाहिए प्रेसिडेंट को। इसके बाद में और क्या क्या बातें, फिर श्रीलंका का संविधान कहता है द अटॉर्नी जनरल्स एडवाइस ऑन दैट, अटॉर्नी जनरल इसका मतलब होता है कानून से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण व्यक्ति, महान्यायवादी, हिंदी में बोलते हैं इसे महान्यायवादी, है ना। इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए साहब, सलाह लेनी चाहिए, किसकी, महान्यायवादी की, एंड ए रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन का मतलब है सिफारिश, फ्रॉम द मिनिस्ट्री फॉर जस्टिस बिफोर ही कैन पार्डन ए कन्विक्ट, कि श्रीलंका के राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को, किसी दोषी को, कन्विक्ट का मतलब है किसी दोषी को जो है क्षमा दें, है ना, किसी मृत्यु दंड पाए व्यक्ति को क्षमा करें, उसके पहले उन्हें जो है रिकमेंडेशन लेनी चाहिए, सिफारिश लेनी चाहिए मिनिस्ट्री फॉर जस्टिस, कि न्याय का, न्याय जो मंत्रालय बना हुआ है ना, उस न्याय मंत्रालय से सिफारिश लेनी चाहिए, अटॉर्नी जनरल की एडवाइस लेनी चाहिए। इसके अलावा
जिस न्यायालय ने या जिस न्यायाधीश ने इस केस की सुनवाई की है उसकी रिपोर्ट लेनी चाहिए। ये सारी बातें जो एक तरीका है ये फॉलो करना चाहिए, हालांकि जरूरी नहीं है सारी की सारी बातें मानी जाए, लेकिन एक तरीका ये कहता है साहब, है ना, ऐसा किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। हावेवर, हालांकि देयर अपियर्स टू बी नो रूल, लेकिन इस तरह का कोई नियम नहीं है साहब, दैट सच एडवाइस और रिकमेंडेशन इज बाइंडिंग, कि राष्ट्रपति पर भाई उसे एडवाइस लेनी ही है। ठीक है, अगर लेता है तो अच्छी बात है, महान्यायवादी जो है उसकी एडवाइस ली जाए, इसके अलावा रिकमेंडेशन ली जाए, है ना, कि भाई ये जो न्याय मंत्रालय है इस न्याय मंत्रालय से जो रिकमेंडेशन ली जाए, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग का मतलब है कंपलसरी, है ना, कि आपको करना ही पड़ेगा, है ना, तो ये कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोसीजर कहता है अगर राष्ट्रपति ऐसा करता है तो बिल्कुल ठीक है, ये नियमों के अनुसार है। अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम का मतलब है इसके अलावा, इस बात को तो छोड़ दो, इस बात इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम सम डोमेस्टिक वॉइसेस फ्रॉम द तमिल लीडरशिप एंड इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस। देखो क्या हुआ है साहब, कि ये जो घटना हुई है ना तमिलनाडु में, कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा ये जो सैनिक है इसकी मृत्यु की सजा को माफ़ कर दिया गया, तो इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए साहब। किन लोगों ने आवाज़ उठाई है? आवाज़ उठाई है कुछ तमिल नेता है ना, छुटमुट तमिल नेता है वहाँ पर, उन लोगों ने आवाज़ उठाई है ना, इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस, कुछ व्यक्तिगत जो राजनेता है उन लोगों ने आवाज़ उठाई है। इसके साथ साथ और किन लोगों ने आवाज़ उठाई है अपार्ट फ्रॉम, कि इन लोगों ने तो आवाज़ उठाई है, डोमेस्टिक वॉइसेस मतलब कुछ घरेलू आवाज़ें देखने को मिली हैं, है ना, तो इसके अलावा द UN ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर, कि भाई यूनाइटेड नेशंस के मानव अधिकार से जुड़े हुए जो उच्चायुक्त है ना, हाई कमिश्नर है, एंड राइट्स वॉच डॉग। राइट्स वॉच डॉग का मतलब है कि जो अधिकारों की निगरानी करने वाली जो बॉडीज बनी हुई है ना, एक तरीके से जो तंत्र बने हुए हैं, जो इकाई बनी हुई है जो कि अधिकारों की रक्षा करती है, अधिकारों की निगरानी करती है, इन्होंने प्रश्न उठाए साहब, हैव क्वेश्चन, किस बात के ऊपर प्रश्न उठाए इन्होंने, द रिलीज ऑफ द सोल्जर, कि यह जो सैनिक की रिहाई या फिर ये जो सैनिक को एक तरीके से क्षमा किया गया है ना राष्ट्रपति के ऊपर, तो इस क्षमा के ऊपर सवाल उठाए किन लोगों ने, UN से जुड़े हुए जो मानव अधिकार के लोग हैं इन लोगों ने भी, और साथ ही साथ ये जो तमिल समुदाय के कुछ जो छुटपुट नेता है ना तमिलनाडु ये श्रीलंका में, इन लोगों ने भी। राइटली कॉलिंग इट एन अफ्रंट टू द विक्टिम्स, राइटली मतलब बिल्कुल ठीक, कॉलिंग इट कहते हुए, एन अफ्रंट, अफ्रंट का मतलब होता है अपमान, टू द विक्टिम्स, कि भाई जो दोषी थे, कि यह जो मेरुसोविल की घटना हुई, ये जो नरसंहार हुआ, इस नरसंहार में जो लोग दोषी थे, जिन लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ, तो उन लोगों का पूरी तरीके से अपमान है यह घटना, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा सैनिक को क्षमा किया जाना, एक तरीके से बेचारे हुए जो लोग जो कि पीड़ित थे उन लोगों का अपमान है। आगे देखते हैं कि एडिटोरियल और क्या कहता है, कि द पार्डन, कि भाई ये जो राजनीतिक क्षमा है ना एक तरीके से, ये जो मृत्यु की सजा जो माफ़ कर दी गई, ग्रांटेड एट ए टाइम, यह प्रदान की गई एक ऐसे समय पर, व्हेन द कंट्रीज फोकस, कि जब श्रीलंका का फोकस जो है, ध्यान जो है, इज ऑन फाइटिंग COVID-19, कि भाई पूरे देश का जो ध्यान है वह कोरोना वायरस को लड़ने में जो है लगा हुआ है, ऐसे समय पर ये जो है माफ़ की गई ये सज़ा, तो यह जो है, अब देखो ये यहाँ से और यहाँ तक ये है एडिशनल जानकारी, कोमा टू कोमा, है ना, अब यहाँ पे आओ आप सीधा कहाँ से, द पार्डन इज, कि भाई ये जो क्षमा है ना, इज ए सीरियस सेटबैक, सेटबैक का मतलब होता है नाकामयाबी, विफलता, करारा झटका, तो इज ए सीरियस सेटबैक टू होप्स, तो उन उम्मीदों को बड़ा ही गहरा झटका पहुँचा है, ये जो क्षमा की है ना राष्ट्रपति ने, इसके माध्यम से उन उम्मीदों को बड़ा गहरा झटका लगा है, दैट अकाउंटेबिलिटी कुड बी ब्रॉट, है ना, काफ़ी लोग हैं श्रीलंका में वो ये सोचते थे साहब कि जिम्मेदारी या फिर उत्तरदायित्व जो है वो लाया जा सकता है, कुड बी ब्रॉट अबाउट, कि भाई जिम्मेदारी जो है या उत्तरदायित्व जो है, कि भाई जिस व्यक्ति ने जो किया हो उसके लिए आप उसे जो है दोषी ठहराओ साहब, अकाउंटेबिलिटी कुड बी ब्रॉट इन श्रीलंका थ्रू डोमेस्टिक मैकेनिज्म, यानी कि घरेलू तंत्र के जरिए, घरेलू तंत्र का यहाँ पे मतलब है कि भाई श्रीलंका की जो एक तरीके से कानूनी प्रक्रिया है या न्याय तंत्र की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के जरिए, है ना, एक तरीके से उत्तरदायित्व की या फिर जिम्मेदारी की भावना लाई जा सकती है, ऐसी जो उम्मीदें थी ना श्रीलंका के लोगों की, वे उम्मीदें धराशायी हो गई हैं, ये एडिटोरियल जो है फाइनली यहाँ तक बात करता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, कल फिर मिलते हैं।